साथियों नमस्कार। साथियों यदि आप भारत के निवासी हैं और खेती का काम करते हैं और खेती है आपके पास, तो जो प्रधानमंत्री का स्कीम है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसके अंतर्गत आपने फार्म आवेदन किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं किया हुआ है तो कैसे आवेदन होगा, किन किन लोगों को पैसा अब तक मिल चुका है, कौन कौन से बैंक के अकाउंट इसमें लगाए जा रहे हैं, इन सारी चीज़ों के साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा फिनो पेमेंट बैंक के बारे में भी मैं बताऊंगा कि फिनो पेमेंट बैंक इस योजना के लिए अधिक लाभदायक कैसे है और किस तरह से जो है फिनो पेमेंट बैंक का अकाउंट इसमें फीड किया जा रहा है और आसानी से पैसा अकाउंट में आ जा रहा है। तो जो भी फिनो पेमेंट बैंक के मर्चेंट हैं यानी CSC संचालक हैं, ग्राहक सेवा केंद्र खोले हुए हैं, वो लोग जरूर इस वीडियो को देखें। साथ में ही जो लोग फिनो पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट खुलवाए हुए हैं उनके लिए भी काफ़ी लाभदायक है कि और बैंकों की अपेक्षा फिनो पेमेंट बैंक में पैसे का लेन देन, अकाउंट ओपनिंग कराना बहुत ही आसान सा प्रोसेस होता है। उदाहरण के तौर पर फिनो पेमेंट बैंक में यदि आपको अकाउंट खुलाना है तो 2 से 3 मिनट लगते हैं, सिर्फ आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, 2 से 3 मिनट में अकाउंट खुल जाते हैं। साथ में आपको तत्काल ATM कार्ड मिल जाता है जो एक्टिव होता है चालू हालत में, मैसेज अलर्ट फ्री मिल जाता है आपको, नेट बैंकिंग भी आपको तत्काल मिल जाती है। सारा प्रोसेस अगर आप करते हैं और स्टार्ट करके चेक करते हैं तो अधिकतम आपको 10 मिनट ही लगता है। तो साथियों मैं दिखा रहा हूँ आपको एक पेज खोल करके कि किस तरह से जो है आप प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना को जो है आप फार्म को फिलअप करेंगे। देखिए आपको पोर्टल पर जाने के लिए PMKisan.gov.in लॉगिन करना है। गूगल पर आप PMKisan भी अगर लिख करके सर्च करेंगे तो आपको वही पेज पर पहुंच जाएंगे। पेज बहुत ही आसान और बहुत ही ढंग का बनाया गया है कि कोई भी आसानी से जो है इस पेज पर जा सकता है और अपनी इच्छा अनुसार उसे क्या हो सकता है उन चीज़ों के बारे में वो डिटेल जानकारी कर सकता है और उसका लाभ ले सकता है। आप जो देख रहे हैं ये हरी वाली पट्टी है, इस पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए मैं आप दिखा दे रहा हूँ आपको कि यहाँ पर देखिए सारे डिटेल्स आपको यहीं से मिल जाएंगे, क्या आपको जानना है, क्या देखना है, क्या करना है, ये सारे। लेकिन इसमें जो है यदि जो लोग आवेदन कर दिए हैं उनका पैसा नहीं आ रहा है, वो चेक करने के लिए कुछ गड़बड़ी है सही करने के लिए, या नया आवेदन करने के लिए भी ऑप्शन से यहाँ पर दिया गया है, उसको आप कैसे करेंगे इसके बारे में भी मैं आपको पूरा डिटेल से बता रहा हूँ। उदाहरण के तौर पर जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जब आप जो है लॉगिन करने के लिए जाएंगे इस पेज पे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फार्मर सेंटर, यानी ये वाला ऑप्शन पर जब आप जाएंगे यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे माउस को ले जाएंगे ये पेज खुल कर के आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले पर लिखा हुआ है न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, जो लोग अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं उनके लिए, एडिट आधार यानी रिकॉर्ड में कोई दिक्कत है, कोई गड़बड़ी है उसके लिए, कोई बेनिफिशियरी आपको स्टेटस चेक करना है कि कोई जानकारी करनी है उसके बारे में, कौन कौन से लोग पैसा पा रहे हैं कौन नहीं पा रहे हैं उसके लिए, स्टेटस सेल्फ रजिस्ट्रेशन, कोई भी आपको जो है CSC संबंधित फार्मर को कोई जानकारी चाहिए या कुछ अपडेट करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करके उस फॉर्म को फिलअप करना होगा। तो मैं बता रहा था फिनो पेमेंट बैंक की जो है किस तरह से अकाउंट इसमें ऐड हो रहा है, कैसे फीड हो रहा है, कैसे फॉर्म भरा जा रहा है। बहुत सारे लोग अभी चर्चा करते हैं कि फिनो पेमेंट बैंक एक प्राइवेट बैंक है, यह सरकारी योजनाओं में काम नहीं करता है, लेकिन साथियों ये झूठा और गलत है। मैं इसे सही साबित करके आपको दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ कि कैसे ये काम करता है। इसके लिए आपको ये पहला वाला जो ऑप्शन है, ये जो पहला वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर जो है पहले वाले पर क्लिक कर देना है। देखिए मैं जो है पहले वाले पर यहाँ क्लिक कर दिया, क्लिक करते देखिए एक नया पेज खुल जाएगा आपको। इस पेज में आपको सिर्फ और सिर्फ अभी आपको आधार कार्ड नंबर ही डालना है, बाकी आपको कोई जानकारी इन्फॉर्मेशन आपको अभी यहाँ पर नहीं देना है, सिर्फ आप आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालते ही जो है आपका डिटेल्स जो है वो खुल करके आ जाएंगे, इमेजिंग टेस्ट भी डालने पड़ेंगे। मैं उदाहरण पर एक डेमो आधार नंबर डाल रहा हूँ,
मेरा नंबर डाल दिया। अब यहाँ पर जो कैप्चर कोड दिया हुआ है, इस कैप्चर कोड को अल्फाबेटिकल न्यूमेरिक मिला करके ये सारा आपको डालना है। डालने के बाद देखिए आप जो कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही देखिए इस तरह का एक पेज खुल करके आएगा और यहाँ पर लिखा रहेगा रिकॉर्ड नॉट फाउंड विथ गिवन डिटेल्स। तो साथियों आपको करना क्या है यहाँ पर जान लीजिए, ये देखिए मैसेज खुल करके अगर आ गया तो ये चीज़ जो है तो आप यहाँ से बैक नहीं होना है, जो ओके का बटन है इस ओके वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके वाले बटन पर यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करते देखिए फिर यहाँ रिकॉर्ड नॉट फाउंड गिवन डू यू वेट फॉर रजिस्ट्रेशन, क्या आप नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, उसके लिए देखिए यहाँ पर ऑप्शन खुल करके आपके सामने आ गया। अब आपको अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको यस पर क्लिक कर देना है और नहीं करना है तो यहाँ नो पर आप क्लिक कर देंगे, जैसा आपको यहाँ पर करना हो। मान लीजिए मुझे करना है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, मैंने यस पर क्लिक किया, क्लिक करते देखिए एक पेज खुल गया। अब यहाँ पर देखिए सारी डिटेल्स आपको देखिए आपको मिल गई, क्या क्या इसमें आपको करना है। देखिए पहले वाले में आपको जो स्टेट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट जो तहसील होती है वह ब्लॉक और गांव का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। मैं आपको करके भी दिखा दे रहा हूँ कि जो है कैसे ये आएगा। देखिए कोई भी स्टेट आप सेलेक्ट कर लेंगे जो आपका स्टेट हो, मैं डेमो की तरफ से डाल रहा हूँ और देखिए उसका डिस्ट्रिक्ट आ गया, जितने डिस्ट्रिक्ट हैं वो डिस्ट्रिक्ट आ गए आपको। सब डिस्ट्रिक्ट मतलब तहसील होता है, तहसील जो आपका है वो तहसील मिल जाएगा आपको यहाँ से। इसके अलावा आपको देखिए यहाँ पर ब्लॉक मिल जाएंगे, जैसे ही आप ब्लॉक को सेलेक्ट करेंगे तो जो आपके उस ब्लॉक के गांव हैं वो सारे गांव की लिस्ट आपको यहाँ पर आसानी से दिखा देगा। देखिए जो भी गांव हैं वो गांव और गांव का कोड यहाँ पर आपको दिख रहा है, वो सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको सारा डिटेल्स भरते हुए आगे बढ़ जाएंगे। इन साथियों मुझे बताना है आपको बैंक के बारे में, तो बैंक के बारे में आने के लिए जो है आपको मैं यहाँ पर देखिए एक IFSC कोड का ऑप्शन दिया हुआ है, मैं यहाँ पर फिनो पेमेंट बैंक का IFSC कोड डाल रहा हूँ और यहाँ पर उसका बैंक का नाम ऑटोमेटिक आपको दिख जाएगा। तो मैं देखिए उदाहरण के तौर पर जो है मैं यहाँ पर IFSC कोड डाल रहा हूँ फिनो का, FINO। तो ध्यान दीजिएगा फिनो FINO बहुत सारे लोगों को जीरो समझ लेते हैं, फिनो FINO 0000001। जैसे ही इसके बाद आप कहीं सर्च करेंगे या टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है प्रोसेस हो जाएगा, और प्रोसेस होते देखिए यहाँ पर बैंक का नाम फिनो पेमेंट बैंक आपका आ गया। अब जो भी फिनो पेमेंट बैंक आपका अकाउंट 11 नंबर का अकाउंट नंबर मिला हुआ है उसे यहाँ पर आप डालेंगे। जो लोग पुराने लोगों का नंबर है वह 200 से स्टार्ट है, नया भी जो है इस साल से 2010 करके शो हो रहा है, या जो भी आपका अकाउंट नंबर होगा अकाउंट नंबर आप यहाँ पर डालेंगे, सारे डिटेल्स डालेंगे और सबमिट करेंगे, आगे का प्रोसेस आपका खुद आप कर लेंगे कि कैसे कैसे आपको क्या करना है, और आपका फॉर्म सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाएगा और आपको आसानी से जो है जो किसान सम्मान निधि का योजना का पैसा है वो आपके खाते में आना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का पैसा आया हुआ भी है, उसको मैं जस्ट अभी अगले वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगा कि किन किन लोगों को किसान सम्मान निधि का पैसा फिनो पेमेंट बैंक में आया हुआ है और कितना आया हुआ है, इस चीज़ों को भी मैं लाइव वीडियो आपको दिखा दूंगा। लेकिन अकाउंट थोड़ी गोपनीयता की चीज़ होती है इसलिए जो है मैं इस वीडियो को अभी बना नहीं रहा हूँ, लेकिन उसको मैं डेमो के तौर पर जो है अकाउंट नंबर वगैरह डिटेल करके मैं आपको बना करके दिखा दूंगा। साथियों जो लोग फिनो पेमेंट बैंक के CSP अभी लेना चाहते हैं वो लोग भी हमसे ले सकते हैं, इसमें CSP ID बहुत ही कम पैसों में मिल रही है, आसानी से मिल जा रही है, ID KYC के माध्यम से मिल होता है, पैसा इसमें फंसने का डर नहीं होता है और आसानी से CSP आपको मिल जाती है, CSP आप कहीं ले सकते कहीं चला सकते हैं। तो साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा हो पसंद आया हो तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करिएगा कि फिनो पेमेंट बैंक बहुत बेहतर विकल्प लेकर आया हुआ है, जहाँ पर 2 से 5 मिनट में अकाउंट खुल जाते हैं, 10 मिनट में सारे डिटेल्स आपको मिल जाते हैं, नेट बैंकिंग और ATM सब कुछ सुविधा उपलब्ध हो जाती है। तो साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।